जमुई के झाझा में पीएम की वर्चुअल रैली का हुआ आयोजन, जदयू प्रत्याशी सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। आरजेडी ने जारी की घोषणा पत्र, तेजस्वी ने कहा 10 लाख लोगों को देंगे सरकारी नौकरी। लेकिन हम 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में और पहले कदम से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिली है। चुनाव को लेकर सहरसा में पुलिस पर्यवेक्षक के आदेश पर मतदान केंद्र का किया गया निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्णिया में उत्पाद विभाग के हाजत में हुई युवक की मौत, परिजनों ने किया जमकर बवाल। मामला ये है कि रात में एक्साइज वाला को कहीं से मेरा लोकल से ही न्यूज मिला कि जो है ना ये दारू लेके आ रहा है उसकी टीम में, तो इसको जो जैसे ही घर पहुंचा तो एक्साइज वाला पहले से वहाँ दो स्कॉर्पियो से वहीं पे था, तो जैसे ये दीपक घर पे आया तो इसको जो रंगे हाथों डिक्की में पकड़ लिया, पकड़ा तो इसको लेके जाने लगा तो मेरा पापा बात किए तो बोला कि 40,000 रुपए दीजिए छोड़ देंगे अभी। विधायक प्रत्याशी डॉक्टर विनय कुमार के समर्थन में उनकी दूसरी पत्नी नतालिया उतरी सड़क पर, जनसंपर्क अभियान के जरिए अपने पति को वोट देने की कर रही अपील। यूक्रेन की मूल निवासी है डॉक्टर नतालिया। औरंगाबाद पहुंचे लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के दौरान कहा इस चुनाव में नीतीश जी की विदाई तय।